बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड बॉडी टिप्स। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूं। अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार की ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ वो है, बहुत ज़्यादा नाक में गदूद हो जाते हैं और मरीज़ परेशान हो जाता है, इसको आज मैं दूर करने का नुस्खा बेहद आसान बताऊँगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो है नाक के गदूद हो जाना, जिसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की शिकायत रहती है। इसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आपके पास ताज़ा होने चाहिए, जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे, किसी भी पार्क में आप ले सकते हैं या बाज़ लोग तो नीम का दरख्त भी घर में लगा लेते हैं। तो ये पत्ते लेना बहुत मुश्किल बात नहीं है, आप आसानी से नीम के पत्ते ले सकते हैं। अगर बाहर के ममालिक में जैसे पत्ते नहीं मिलते तो आप अनसार की दुकान से ले सकते हैं, वहाँ भी अनसार की दुकान नहीं है तो आप किसी अपने जाने वालों से, जो आने जाने वाले लोग उनसे आप मंगवा सकते हैं। आप घर बैठे ही अपने नाक के गदूद, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करवाते हैं और नाक के गदूद ख़त्म नहीं होते, बार बार जो है गदूद आ जाते हैं, और लोग डॉक्टर जो होते हैं क्योंकि वो जलाते हैं अंदर से, गदूद को ना जला देते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल होता है। अगर आप ये मेरा नुस्खा सादा, नहायत ही आसान है, आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपके ये नाक के गदूद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसमें जो वजह से मैंने नीम के पत्ते और नमक आपने इस्तेमाल करना है, नमक आपके किचन में मौजूद है, आप नमक लें और इससे जो है अपना इलाज करें। किस तरह करना है वो इस तरह के, आपने बहुत ज़्यादा जैसे नीम के पत्ते आपके ताज़ा होने चाहिए तो नीम के पत्ते आपने 10 अदद ले लेने हैं, नमक आपने एक चुटकी, ये चुटकी है आपकी, ये आपने ले लेनी है, पानी आपने 1.5 कप से ये ले लेना है या 2 कप पानी। इन तमाम चीज़ों को आपने जो है चूल्हे पर पकने के लिए रख देना है। जब ये पानी आपका 1 कप रह जाए तो चूल्हे से आपने उतार कर ठंडा कर लेना है। रोज़ाना आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले इस पानी को नाक में डालिएगा, जैसे हम वज़ू करते हैं, वज़ू करते वक्त जैसे हम डालते हैं नाक में पानी, इस तरह आपने इस पानी को आपने डालना है। सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आप देखेंगे आपके नाक के गदूद जो है कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आपका नज़ला ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा और आपकी जो खांसी है, जैसे गले में आपके जो है बहुत ज़्यादा केरा गिर रहा है, रेशा गिर रहा है, जब नाक के गदूद ख़त्म हो जाएंगे तो आपका नज़ला ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा, आपके गले का मसला भी हल हो जाएगा। ये नहायत ही आसान और बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद नुस्खा मैंने आज आपकी खिदमत पेश किया, आप इस्तेमाल करें, अपने मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी खास वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के पास।